साथियों, ये भी एक झंडा है और झंडे का वो ध्वज पता नहीं उड़कर कहाँ चला गया। यार देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ चला गया है। ये तीन पर बहुत दूर मिला और श्री राम जी का झंडा है, इस पर श्री राम जी बने हुए हैं और ये अंत की शुरुआत है। जैसे कि आप लोग जगन्नाथपुरी मंदिर में देख सकते हो, पूरे देहरादून के झंडे एक जगह लगे हुए हैं और हमारा एक झंडा इस पर। ऐसा क्या आया था, ऐसा कौन सा तूफान आया इस अकेले झंडे पे कि इसको नीचे गिराना पड़ गया, झुकाना पड़ गया झंडा। और दूसरा, इसका ध्वज, इसका ही ध्वज, यानी आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक निकालना, यहाँ तक ध्वज होता है फहराना। और सभी झंडों पे ऐसा क्या हुआ, सब झंडे खड़े हुए, ये अकेला झंडा ऐसा क्यों हुआ है? ये भविष्य मल्लिका के अनुसार हुआ है। श्री राम जी का झंडा है, इसमें हनुमान जी और श्री राम जी जो कलयुग के अंत के वो हैं भगवान जी, दोनों हैं इसके अंदर स्थापित। और भाई साहब, ये मेरी छत है और ये मेरी छत का अकेला ही झंडा है, बाकी पूरे देहरादून के झंडे लगे हुए, किसी को कुछ नहीं हुआ। ऐसा कौन सा तूफान आया इसमें कि इसको यहाँ से ऐसे निकाला गया और वो झंडा उड़कर वहाँ पे गया? अगर ऐसी बात है तो फिर सभी झंडे क्यों नहीं उड़े? और आज दिन 24 तारीख है, 24 मार्च 2024 कुछ अद्भुत होने वाला है साथियों। यही कारण है श्री राम जी का झंडा है। जैसे कि जगन्नाथपुरी मंदिर में बताया गया था कि वहाँ का भी झंडा उखड़ेगा और बहुत दूर जाकर गिरेगा, तो वही जगन्नाथपुरी मंदिर का झंडा उखड़ा और नदी में पाया गया। उसके पास वाली 2 किलोमीटर दूरी पे, वो 2 किलोमीटर दूरी पे नहर है, नदी है, जमुना नदी है, गंगा जी है, वहाँ पर मिला है। और ऐसे ही मेरा यहाँ से झंडा, बहुत बड़ी बात है कि जब सारे झंडे एक जगह उपस्थित है तो ये हमारे छत का झंडा अकेला उड़कर ऐसे कैसे ये झंडा झुका, इसी पे कौन सा तूफान आया था ये झंडा झुका और ये ध्वज यहाँ पर गिरा है। श्री राम जी का और हनुमान जी का झंडा है, कुछ अद्भुत ही होने वाला है भाई। संकेत मिलते जा रहे हैं साथियों, ये भी एक संकेत है, ये मेरे घर से एक संकेत मिला है कि भाई हमारा श्री राम जी का झंडा वहाँ पर गिरा है।